बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीख उठा कराची और मैं हूँ साइमा कवल। जनाब, कराची की ना सबसे बड़ी बदकिस्मती पता क्या है? वो ये है, वैसे तो बहुत सारी बदकिस्मतियों के लामतनाही सिलसिले हैं, लेकिन अभी अगर हम जिस बदकिस्मती की बात कर लें, होता क्या है कि एक तो यहाँ पर रोड बनती नहीं है। सड़क बनी होती है तो अलमिया ये है कि अगर गलती से भी कोई सड़क अच्छी बन गई है तो फिर कभी जो है वहाँ पर टेलीफोन की तारें बिछाने के लिए जो है 3 महीने पहले सड़क बनेगी, फिर उसके बाद टेलीफोन की तारें कभी याद आ जाएंगी, ओहो हो हमने तो टेलीफोन की तारें नहीं डाली, वो उठा के फिर डालने के लिए दोबारा से खुदाई शुरू हो जाएगी, वो फिर थोड़ा सा भी उसका किस्सा थमेगा नहीं तो फिर केबल वाले आ जाएंगे और वो अपनी जो केबलिंग करना शुरू करेंगे, इंटरनेट वगैरह की जो केबलिंग होती है वो करना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद सीवरेज की लाइनें जो होती हैं वो डलना शुरू हो जाती हैं। अजीब किस्म का एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है पूरे शहर कायद के अंदर। सऊदाबाद के पास मैं मौजूद हूँ। ये मलीर का एक बहुत ही मसरूफ एक पॉइंट है, कराची वालों की ये किस्मत है। जनाब, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, सऊदाबाद का जो पुल बन रहा है ये इसका प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बहुत अरसे पहले। अब तक तो इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बहुत अरसा हो जाना चाहिए था इसे कंप्लीट हुए हुए, लेकिन बेचारी सिंध हुकूमत के पास जो क्या करेंगे, उनके पास पैसे ही नहीं है, सुनाए के फंड ही नहीं है उनके पास, और जो थोड़ा बहुत यहाँ पर रह गया था जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था उसमें तवालत इस कदर आ गई है, और तवालत के साथ साथ एक बदकिस्मती ये है कि थोड़ा सा जहाँ काम हो रहा होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये सीवरेज लाइन बाद में याद आ रही होती है, केबलिंग बाद में याद आ रही होती है, टेलीफोन की तारों के बाद में याद आ रहे होते हैं, हर तरह का आपको झमेला जो है वो बाद में याद आ रहा होता है। आप खुदा के लिए कराची की सड़कों को रहने देंगे बरकरार या नहीं रहने देंगे? अगर नहीं रहने देंगे तो एक दफ़ा बता दें, हम तैयार हो जाएंगे पगडंडियों पे चलने के लिए। वैसे भी हम कौन सा जो है वो सड़कों पे चल रहे होते हैं, कराची में सड़कें बची कितनी हैं? अब ये बहुत एक मुश्किल हालात हैं इन मलीर के लोगों के लिए भी, सऊदाबाद के लोगों के लिए भी। सबसे पहले तो हम आपको लेके जाएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, हम उसी जगह पर जहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, लेकिन अभी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना कि सऊदाबाद और मलीर वालों की ज़िंदगी अजाब बन गई है जब से ये पुल बनना शुरू हुआ है, जो बनने का नाम ही नहीं ले रहा, शैतान की याद बना हुआ है, कभी कोई उज़र सुनने में आता है और जो थोड़ा बहुत कोई उस पर काम होता है तो वो सीवरेज वाले या फिर केबलिंग वाले आ जाते हैं उसको उखाड़ पुछाड़ करने के लिए। बात दुरुस्त है? बिल्कुल बात दुरुस्त है। सबसे पहले रोड बनता है, उसके बाद फिर उनको सीवरेज लाइन याद आती हैं, सीवरेज लाइन के बाद उनको फिर वाटर बोर्ड की लाइन याद आती हैं, वाटर के बाद फिर टेलीफोन एक्सचेंज वाले आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो दोबारा रोड बना देते हैं। तो इस वजह से रोड की जो हाल है वो बहुत खस्ता हाल हो गई है, और इसकी वजह से बाइक चलाते हुए तो हम लोग के कमरों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक्सरे करवाएं, और अगर डॉक्टर से पूछा गया कि तो वजह क्या है, वो बोल रहे हैं कि ये जो आप रोड्स पे बाइक चलाते हैं, आपने बाइक तो नहीं ले ली, आप टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी लाइफ टाइम टैक्स पे कर दिया। मैंने अभी G50 ली है सुजुकी की, उसके टैक्स भी पेड कर दिया, लेकिन हमें वो सहूलत नहीं मिल रही है जो हमने टैक्स पेड किया। यानी आपको जो आपका टैक्स है वो आपको कुएं में जाता हुआ नजर आता है, ऐसा है? यस yes, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा K21 का, जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को बुलंद किया, और हम मलीर के लोग बड़ी ही अजियत का शिकार हैं। ये साल तकरीबन 2-3 साल हो गए इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू करा था, ये सऊदाबाद चुरंगी से लेके कोकरा पार तक का वो तो कम्प्लीट कर दिया, लेकिन सऊदाबाद से लेके मलीर सिटी और सऊदाबाद से लेके काला मोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है वो दाई, हम अपने बीमारों को अपने बच्चों को नहीं लेके जा सकते मोटरसाइकिलों पे, क्योंकि खड्डे इतने हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हम गिर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं फ्रैक्चर का शिकार हो सकते हैं, बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हमारी ये गाड़ियाँ हैं जो खड़ी हुई हैं, आए दिन टूट फूट का शिकार रहती हैं। तो खुदारा हम आपके चैनल के तवस्सुस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाए K21 की निस्बत से, तो आप हमारी इसमें रहनुमाई फरमाइएगा। आप क्या कहेंगे कि अगर सुना है इन्होंने कहा है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, नई मोटरसाइकिल ले ली, लेकिन नई कमरे आप लोग नहीं लगवा सकते, नई जो है बॉडी नहीं लेके आ सकते अपनी ह्यूमन बॉडी, तो सुना है कि डॉक्टर भी आपको साफ कहता है कि आप जिन रास्तों से होकर आ रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पर तो उसकी वजह से आपके ये जिस्म में और कमर में बिलखसूस दर्द हो रहा है। असल में मसला ये है कि कराची के साथ तो ये अलमिया रहा है,
कि कराची जो है ना सबसे ज़्यादा टैक्स भी दे, कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी दे, और कराची सबसे ज़्यादा मट्टी भी खाए, कराची सबसे ज़्यादा खड्डे भी खाए, और अपनी बाइकें गाड़ियाँ कुछ भी ले लें आप घर से यहाँ से निकल के अगर काला बोर्ड तक खाली चले जाएँ ना तो आपका ऐसा मेकअप हो जाता है कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेकअप हो जाता है कि पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। शहीद गनी साहब आए थे, वो तख्तियाँ वख्तियाँ तो अपनी लगा के चले गए। हमें जो है ना पुल वुल नहीं चाहिए, हमें पुल नहीं बनाए। आप ये हमारे कम से कम जो रोड खोद के रखे हुए ना, ये मलिर 15 तक, यहाँ से सऊदाबाद से मलिर 15 तक और यहाँ से लेके पूरे काला बोर्ड तक, हाँ, और जब रोड बन जाएगा फिर कोई ना कोई खुदाई, कोई गटर खोदने के लिए आ जाएंगे, फिर वो जो अच्छा खासा रोड है उसको तबाह कर देंगे। ये तो खैर, ये हमारा 8 साल से ये हाल है। ये अभी एक दो साल नहीं हुए इसको, इसको तकरीबन 8 साल हो चुके हैं जो हम धूल मट्टी खा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम दें, पैसे भी हम दें। फिर भाई पंजाब वाले ही सही हैं, पंजाब वाले तो सही हैं, यही तो सबसे बड़ा रोना है कि पंजाब वाले खुश हो, जम जम खुश हो, हमारा दिल खुश होता है उनको देखकर, लेकिन फिर बराबरी की बुनियाद पे खुशी मिलनी चाहिए ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप एक भाई को आप इतना आसूदा रखें और दूसरे भाई को इतना कंगाल रखें कि वो पैसे दिए जा रहा है और मिट्टी खाया जा रहा है, ये भी तो ज्यादती है। सर क्या कहेंगे आपका ये जो मलिर है, आपका और हमारा मलिर, मलिर का ये जो काला बोर्ड का पुल है सऊदाबाद से लेकर ये जो काला बोर्ड तक ये जो पुल आ रहा है, सुना है कि शैतान की आंत बन गया है, खत्म होने का नाम नहीं रह रहा है इसका। ऊपर से जो काम हो रहा है वो भी जो है वो उधेड़ के रखा जा रहा है, कभी केबलिंग के नाम पर, कभी सीवरेज की लाइन डालनी होती है उसके नाम पे। तो आप लोगों को ये बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? नहीं, मुश्किल लगता है बनता हुआ, क्योंकि दुनिया में कहीं भी काम होता है ना पहले डाइवर्जन दिया जाता है, आप इस रोड को इस्तेमाल करें इस पर काम हो रहा है, यहाँ जो डाइवर्जन है उसको भी खोद दिया है, उसका भी बुरा हाल दिखाते हैं क्या बुरा। और हर दूसरे दिन इसके नाम पे, खुदाई के नाम पे गैस बंद होती है, प्रॉब्लम वो एक अलग से अजियत है। ना लाइट होती है, ना पानी है, ना गैस है, क्या करें हम, जाएं तो जाएं कहाँ, लाहौर चले जाएं। सर एक आपसे, चूंकि आप माशाल्लाह सब बाशऊर हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं, आप लोगों से सवाल कर सकती हूँ। जब आप अपनी मोटरसाइकिल पर या छोटी गाड़ी पर आप इन रास्तों से होके जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, तो मैं बड़े तहजीब याफ्ता अल्फाज में आपसे दरियाफ्त करना चाहूंगी, तहजीब याफ्ता चूंकि हमें अब नशरी तकाजों के पहर, आपके दिल पे क्या गुजर रही होती है और दिल में क्या ऐसे अलकाबाद आ रहे होते हैं? बस तौबा कर रहे हो तो दिल में, और समझे कि बस गालियां ही बक रहे होते हैं कि क्या करें इसके लिए। तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ से अगर सदर जाना हो तो हम तकरीबन यहाँ से 1.5 घंटे में काला बोर्ड पहुँचते हैं और फिर उसके बाद 20 मिनट में सदर पहुँच जाते हैं। तो ये आपको देखिए, एक प्रोजेक्ट शुरू होता है और अभी भी कई प्रोजेक्ट जैसे शुरू हुए हैं, मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, मेरे तो वाकई में मुझे मैं परेशान हो गई हूँ, अब थोड़ा सा मुझे टेंशन होना शुरू हो गई है। वो जो गुलिस्तान जौहर में, जौहर चुरंगी पे जो इस वक्त तरक्याती काम जारी है, अल्लाह करे बस वो तरक्याती काम जितनी मुद्दत बताई है उसमें पूरा हो जाए, या उससे चलो थोड़ा सा 6 महीने अगर ज़्यादा लगते हैं लेकिन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट अगर आपने शुरू किया वो कब मुकम्मल होगा कोई नहीं जानता, ये एक बड़ा मसला है। तो अभी आप कह रहे हैं कि हमें तो खुद अंदाजा नहीं है कि ये बनता है या नहीं बनता है, लगभग कितने साल हो गए होंगे इसको? तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया काम चलते हुए। और कितनी मुद्दत का कहा गया था? मेरे ख्याल में दो साल का टाइम पीरियड था। आप साहब आए थे अभी, उन्होंने तख्ती लगाई है काला बोर्ड चुरंगी के ऊपर हरी मस्जिद की तरफ, और अभी तक ये काम मेरे ख्याल में, मैं नहीं समझता भी, वहाँ वाटर बोर्ड वालों का वो जिसे हम टंकी का नाम देते हैं, सिंध हुकूमत कह रही है भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, कोई फंड ही नहीं है। तो ये सिंध हुकूमत थोड़ी बनवा रही है, तो वर्ल्ड बैंक काम करवा रहा है। अच्छा। तो सिंध हुकूमत की जेब से थोड़ी लग रहा है। सिंध हुकूमत का क्या वास्ता है इससे? वही बड़ी हैरानकुन बात है कि सिंध हुकूमत कोई भी होता है तो वो ये कहते हैं कि भाई अभी हमारे पास उसके ऊपर इल्जाम आ जाता है, सिंध हुकूमत के ऊपर यार धर दिया जाता है कि सिंध हुकूमत तो पैसे नहीं देती। सिंध हुकूमत जो है ना सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है कराची की आवाम को, सिंध हुकूमत जो है सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है कराची की आवाम को। सही है, आप अभी मेमनगोड़ चले जाएँ, वहाँ के रोड देख लें और यहाँ के रोड देख लें, ये दोहरा मैार आपको जो है ना बिल्कुल वाजह तरीके से नज़र आ जाएगा। सुना है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जिससे भी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसके पास शायद पैसे नहीं है। अच्छा चलो नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चल के हो जाएंगे, कुछ दिल को उम्मीद हो। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को सुनाई देता है कि नहीं नहीं पैसों का मसला नहीं है, दरअसल शायद कोई दूसरा मसले मसाइल है, कोई अंदरूनी खल्फिशार है, उसकी वजह से ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा। चलो भाई मुसलसल ये हम सुनी रहे हैं, ये वावेला हम सुनी रहे हैं मुसलसल, लेकिन बात सिर्फ
इतनी सी है कि आपके इस वक्त उस जगह पर वो प्रोजेक्ट जिसको अब तक तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच जाना चाहिए था, उसका अभी एक सिरा भी जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सका है। जो थोड़ा बहुत मुकम्मल हुआ उसको उधेड़ दिया गया। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, लोगों की पसलियाँ रह गई हैं लोगों अच्छा एक और चीज़, दो अस्पताल आपके बिल्कुल कॉर्नर पे, यानी कि आप यहाँ से जब जाते हैं तो दो अस्पताल, अगर आपको इलाके के लोगों को अगर अस्पताल जाना पड़े, इत्तफाक की बात यह है कि उन्हीं अस्पतालों के राह गुजर पे जो है वो ये खड्डे आपको मिलेंगे, और यही चीज़ जो है ये प्रोजेक्ट जो पाया तकमील तक पहुँचने का नाम नहीं ले रहा है फिलहाल, ये खड़ा हुआ है, और इसकी वजह से आप ये सोच लें कि मरीजों को अस्पताल तक शिफ्ट करने में अगर किसी के साथ इमरजेंसी है तो एम्बुलेंसेस आपकी जो है वो बीच में फंसेंगी। ये बात आपने देखी भी होगी और हम खुद अभी नोट करते हुए आ रहे थे, हम खुद रास्ते में जब आ रहे थे तो हमने एम्बुलेंसेस को बाकायदा फंसा हुआ देखा वहाँ पर। तो ये कोई, आप क्या समझते हैं कि ये कोई इसके लिए कोई भी उजर कि सिंध हुकूमत के पास पैसा नहीं है, या इंतज़ामी खल्फिशार का शिकार हो रहा है कोई मामला, या फिर कोई एक्स वाई जेड आपका कोई भी उजर हो, क्या जस्टिफिकेशन है ये किसी जान की या किसी लोगों की इस तरह की परेशानियों की जिसका रोज़ का उनका मामूल बन गया हो? और अच्छा, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि आपका वो प्रोजेक्ट बन जाएगा किसी मतलब देर सवेर से लेकिन बन जाएगा, कुछ आसार नज़र आ रहे हो, कुछ बन रहा हो, कुछ खड़ा हो रहा हो ढांचा ऐसा, तो आपको तसल्ली हो जाती है। लेकिन जब आपको सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी खड्डे मुसलसल आपको सिर्फ उन्हीं का दीदार होता रहे, उन्हीं का आपको दर्शन होते रहे, उन्हीं का आपको जो है वो व्यू मिलता रहे, तो फिर कहाँ से आप वो हौसला लेकर आएंगे और कहाँ से आपको वो सब्र मिलेगा? हम कहते हैं ना कि जब तरक्याती काम शुरू होता है तो तरक्याती काम जारी है, हम तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। वो जो एक बोर्ड आप देखते हैं यहाँ पर, आप कितने अरसे तक वो बोर्ड लगाएंगे? एक वक्त आता है कि जब बंदा कहता है कि भाई कितना का सब्र करें, कितना का आपको माफ़ करें, कितना के आप माजरत तलब करेंगे और हम आपको कितने ज़्यादा अरसे तक जो है हम आपकी माजरत को कबूल करेंगे। अब वक्त आ गया है कि जरा थोड़ा सा मलीर के लोग जो है, और बलीर एक ऐसा कराची का तबका है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा खत्ता है कराची का जहाँ पर एक बेतहाशा, आप इसे कहते हैं कि जो गुंजान आबाद इलाका आबादी से भरा हुआ ये वो है। तो यानी कि कोई एक शख्स अफेक्ट नहीं हो रहा, दो शख्स दो लोग या फिर कोई महदूद पैमाने पर लोगों का तनासुब नहीं है, यहाँ पर बेतहाशा लोगों को यहाँ पे तकलीफ है। शीखुटा कराची में हमने पहले हिस्से में जिस तरीके से हमने आपको बताया, अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे उस जगह जहाँ पर ये तरक्याती काम शुरू हुआ है, एट द स्पॉट आपको दिखाएंगे कि किन किन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और गवर्नमेंट्स को और इंतजामियों को किन किन पशिमानी का सामना होना चाहिए जो उनको बिल्कुल नहीं हो रहा है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है और उसे वक्त मुकर्रा पर पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता और उसमें आती है बहुत बड़ी एक तवालत, यानी कि तवालत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, तो फिर क्या होता है कि ये वो शहर कायद है कि जहां पर आपने पाइपें डाली हुई हैं वहां पर नशई हजरात, मेरी इन गुनहगार आँखों ने अभी आकर ख़ुद वो मंज़र देखा कि वो पाइप जो अंदर लगी हुई है, ये वो पाइप है जो गालिबन या तो सीवरेज की है या फिर किसी ऐसी पानी की होगी, उसको जो है वो नशाई हजरात निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं और बेच रहे हैं और अपना नशा पूरा कर रहे हैं। ये होता है कि फिर ये उनकी अमाजगा बन जाता है, या तो कचरा कुंडी में बदल जाता है या फिर बदल जाता है इन जैसे जो नशाई हजरात हैं उनका ये मस्कन बन जाता है। सर ये बताइएगा कि अब तक तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इसका तो अभी अलिफ भी जो है ना वो शुरू नहीं हो सका है, और जो हुआ वो यकीन करें कि अभी तक तो मेरी गुनहगार आंखों ने यही देखा है कि कभी पाइपें निकाल के कोई नशाई हजरात लेकर जा रहे हैं और वो भी रात के वक्त के इंतजार नहीं कर रहे, वो भी अल्लाह के बंदे जो है ना वो शेर के बच्चे जो है वो लगे हुए हैं दिन के दहाड़े, क्या आता है कोई देखता है तो देखता रहे हमारी बला से, ये शबो रोज तमाशा आपके सामने हो रहा है? जी जी, मैं तो अपने जो है ना कम से कम जो है ना मैं यही देख रहा हूँ, मेरे शो पे सामने ठेला लगाया हुआ है मैंने,
आई समझ में। मैं यही देखता हूँ, सुबह 6:30 बजे आता हूँ जब लगे हुए होते हैं, रात को 2 बजे जाता हूँ जब लगे हुए होते हैं खड्डे खोदने के अंदर। अब इनको बोला जाए तो हमारे को अपना मसला होता है कि हमारा माल लेके चले जाते हैं। 2 दफ़ा चोरी हो चुकी है मेरी केबिन से इन्हीं पोल्ट्रियों की वजह से, आई समझ में। अब किस इनको किससे रोका जाए? रोकने का मसला ये नहीं है, मसला कहने का ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करा है उसको तकरीबन 6 फीट 10 फीट का जो मुकम्मल तो करो आप, सिर्फ एक काला बोर्ड से लेकर सऊदाबाद तक जो है ना पूरा खोदते हुए चले गए। यहाँ पब्लिक परेशान, ट्रांसपोर्ट परेशान, पानी से परेशान, पानी गैस से परेशान, बिजली से परेशान, TNT वाले परेशान, हर लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो पूरा आप खुदावा देख रहे हैं, आप कितने अरसे से अपने इस मलीर का, इस काला बोर्ड के, इस पुल का, अपनी इन सड़कों का ऐसा हाल कितना अरसा हो गया आपकी निगाहों ने यह मंजर देखे हुए? जो है 3 साल पहले हुआ था खुदना, ठीक है। सेवरी लाइन बड़ी डली थी, 3 साल पहले जो है ना वो खुद गई, सेवरी लाइन डल गई ना रोड डला। फिर उसके बाद इन्होंने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया वर्ल्ड बैंक वालों ने, ये वर्ल्ड बैंक वाले करवा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला जी हम जो ना पुख्ता तौरी से इसको सड़क को बनाएंगे, ज़मीन खोद कर ना बनेगी, पर कहने का मतलब है मुकम्मल कहीं भी नहीं हो रहा। अब अगर आगे जाएंगे तो आगे जो है ना कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ पार्क है। पार्क के आगे उन्होंने केवरिज बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा वो पता है क्या बड़ी एक मजे की आपको बात बताऊँ, वर्ल्ड बैंक वालों का ये दर्द सर है लेकिन सिंध हुकूमत जो है ना वो उसकी तरफ से कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, लेकिन कोर्ट इन कोर्ट उनका ये कहना है कि भाई फंडिंग वगैरह का थोड़ा सा मसला हो रहा है। अब वल्ला आलम के कहां से मसला हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इंतजामी मसाइल हैं। फंडिंग का मसला जब आता है जब गवर्नमेंट खुद कर रही हो, सेवरेज का, पानी का, सड़क का, सब का, पर कहने का मसला है काम हो रहा है पर मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा, अधूरा काम हो रहा है। सर सुना है कि कुछ जगहों पे तो मैंने ऐसे भी देखा, क्योंकि इसके जो है ना इसके जो मतलब तवालत जो है वो तो एक मसला है, साथ में दीगर हम आगे चले जाते हैं ना तो अच्छी भली जो सड़कें पहले बनी हुई थी, मैं एक तकरीबन 9 महीने इस जगह पे गुजार के गई हूँ मॉडल कॉलोनी में, तो मैंने देखा था बड़ी साफ सुथरी और बड़ी खूबसूरत वो कॉलोनी किसी ज़माने में थी, लेकिन अब जो है ना अगर हम इस इलाके में आते हैं तो हर दूसरी सड़क खुदी हुई है। अच्छी भली जो सड़कें बनी हुई थी वो खोद दी गई, कभी जो है वो केबलिंग हो रही है, कभी जो है वो बाद में सो के उठ रहे हैं उनको याद आ रहा है कि केबलिंग भी करनी है, वाटर एंड सीवरेज का जो है निज़ाम वो भी सही करना है, उसकी पाइपें भी डालनी है, जब सड़क खोद देते हैं उसके बाद भाई ये तो खुद गई, क्या करें। कहने का मकसद ये है कि काम हो रहा है, ठीक है, आपने पाइप लाइन डाल दी, पानी की लाइन डाल दी, सेवरेज लाइन डाल दी, सही है, उसके बाद जो ना डैमेज कर दी जगह, डैमेज करने के बाद उसको पूर तरीके से जो है अपने जो कवरेट नहीं करी गई, भाई चलो यहाँ से तकरीबन उस चौरंगी तक जो कट तक जो ना अगर ये एवरेज कर लें, ये शॉप वाले जितने भी बैठे हुए सब की रोजी ख़त्म हो गई है, क्यों यहाँ कस्टमर कोई नहीं आ रहा, आई समझ में। यहाँ गाड़ियाँ जो है ना आप ही आज जुम्मा है, अभी तकरीबन 7 बजे देखना यहाँ गाड़ियों का हाल क्या होता है, ये एक हाल होता है कि आपस में लड़ रहे होते हैं, कोई रास्ता नहीं है, कट है, उधर भी मॉडल को भी जाना है इन्हें सऊदाबाद में। मगरिब के बाद आप कह रहे हैं मुझे तो कुछ तो खून अभी नजर आ रहा है यहाँ पर, गुत्थम गुत्था लोग अभी होते नजर आ रहे हैं। आपने देखा नहीं जो होगा अभी, तो देखें अब जब बड़ी गाड़ी आएंगी ना कंपनियों की छुट्टी होंगी तो जब वो लोग आएंगे सर ये एम्बुलेंसेज वगैरह जा रही है इसी रास्ते से, ये किस तरह जाएंगी, ये देखे तो ऊपर ही चौके जा रही है, यही तो मसला है कि एक रोड सिंगल किया उसको भी आगे जाओ तो डैमेज हुआ हुआ है, यानी टंकी मार्केट के बाद जाएंगे आप तो वहाँ भी डैमेज हुआ हुआ है, उसमें जो ना यानी एक गाड़ी इधर से आ रही है तो एक गाड़ी रुक रही है, गाड़ी दोनों कन्वर्ट नहीं जा रही हैं। कहने का मतलब है कि पूरा निज़ाम इन्होंने जो है ना ख़राब करके रखा हुआ है हर तरीके से, काम कब होगा ख़त्म कब होगा ये नहीं मालूम। और इस दौरान में आपका तबाह हो गया आपका कारोबार, कारोबार सबका तबाह हो गया, जितने भी दुकानदार हैं सबका तबाह हो गया कारोबार, अगर कोई 100 रुपये की कमाई कर रहा था ना वो अब 10 रुपये पे आ गया। बड़ा एक अजीब मामला यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, कहाँ पे किस जगह पे किस पॉइंट पे जाके मामला अटका हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर तरह से एक नया उजर सामने आ रहा है, हर जगह से एक नई कहानी सुनने में आ रही है, जो सिंपल एक जवाब होता है वो कोई देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, हर बंदा एक अलग कहानी बता रहा है, हर शख्स जो है वो अपनी जिस जगह से वो बिलोंग करता है जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है वो अपनी अपनी कहानियाँ बताए जा रहे हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है और जो सबसे ज़्यादा कीमत अदा कर रहा है वो कर रहा है कराची का शहरी, वो बेचारे वो शहरी जो कोई उनको अगर मतलब ये वो वाला तबका है कि जिसके एक गाल पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो दूसरा गाल भी आगे कर देते हैं, मतलब इतने बेचारे शरीफुल नफ्स लोग हैं वो अपना कारोबार तबाह करके बैठे हुए हैं, ये जितनी लाइन से आपको जो सैनिटरी की चीज़ नज़र आ रही है ये दुकानें ये ख़त्म हो चुके हैं, इनके कारोबार कौन आएगा मुझे बताएं,
इतने अरसे से है, कोई दिल पे सबर करके जबर करके अगर वो बैठा हुआ है यहाँ पर कि भाई कभी ना कभी तो ये मुकम्मल होगा, और वो अपनी आंखों के सामने जब इसको मुकम्मल होने के बजाय मजीद इसकी हालत बिगड़ते हुए देखेगा और इसको कोई सिरा नजर नहीं आएगा कि किसी तरीके से किसी भी कल भी जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आएगा, मायूसी तो बढ़ेगी ना। और मायूसी का फायदा सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है? नशई हजरात। मेरी आंखों ने जो देखा यकीन करें समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर एक खलकट्टा मार के मैं कहका लगाऊं। अपनी वो जो होता है ना कि तकलीफें इतनी जब पड़ती हैं आप पर, उस्ताद इतनी आती है तो आप हंसना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पागलों की तरह इस बात के ऊपर हंसूं या फिर मैं गुस्से का इजहार करूँ या फिर मैं अफसोस का इजहार करूँ। खैर अभी जरा चलते हैं बेचारे इन दोनों की जरा दादरसी थोड़ी सी कर लेते हैं, इनकी और तो कोई सुनता नहीं है, मैं ही सुन लूँ जरा। अच्छा जनाब, मैं ऊपर तो इनसे लोगों से बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन ज़रा एक चीज़ मैंने नोट की तो मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूँ। अब वो ज़रा देखिए बच्चे कैसे घुसे हुए हैं, ज़रा दिखाएं ज़रा इनको बच्चे किस तरीके से, उनको एक एंटरटेनमेंट मिली हुई है, यहाँ से कोई पाइप टूट रही है, बच्चे उसके अंदर चीज़ें फंसा रही हैं, बच्चों को जो है वो अल्लाह माफ़ करेंगे और कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पर आप ये देखें कि चोरी चकारी तो शुरू हो गई थी, बच्चों के लिए भी ये कोई ज़्यादा साजगार माहौल नहीं रहा। प्लस अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो है ना, ये अगर मैं यहाँ से आ रही हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ से आ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही हूँ, इसकी मेरी जगह पे आप खुद को भी रख सकते हैं। तो भाई अगर मैं आ रही हूँ और थोड़ा सा भी मतलब यानी कि अगर बेदहानी में मेरा पाँव अगर थोड़ा सा भी इधर होता है तो मैं तो जाती हूँ नीचे सीधे, तो अगर मैं मरूँगी नहीं तो कम से कम मेरी हड्डी ज़रूर टूटेगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम मेरी हड्डी लाजमी टूटेगी। हड्डी ना टूटी हो क्योंकि मैं कैल्शियम शायद बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो मेरी हेयरलाइन फ्रैक्चर ज़रूर होगा, अगर बाकायदा फ्रैक्चर नहीं होगा तो हेयरलाइन तो कहीं नहीं गया, जिसमें मुझे कम से कम जो है वो 15 दिन के लिए मुझे बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा। ये है इस जगह और यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, खवातीन गुजर रही हैं और कोई रास्ता नहीं है। ज़रा सा भी अगर यहाँ पर पानी पड़ा हो या ज़रा सा भी अगर मेरा पाँव बेदहानी में अगर इस तरफ मैं गिर जाऊँ तो मेरे लिए कम से कम एक फ्रैक्चर जो है वो वेलकम मुझे करने के लिए तैयार बैठा होगा। अब ये बेचारे सही तो कह रहे हैं बेचारे ये लोग कि इनका कारोबार तबाह नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कौन आएगा? मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे चढ़ के आई हूँ तो कौन आएगा, मुझे आप खुद बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसकी वजह से, इसकी तवालत की वजह से आप लोगों के कारोबार ख़त्म? बिल्कुल ख़त्म हो गए, आप खुद देख रही हैं कितनी परेशानी हो रही है। आप सारे फारिग होकर बैठे हुए हैं बाहर? बैठे हुए हैं, कारोबार है नहीं, काम धंधा, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, काम जब आएगा तो काम करेंगे, जब ये लोग इतने बेईस हो चुके हैं। मुझे ये बताइए सर, अगर आपका ये फार्मूला हम लोग मान भी लेते हैं तो कम से कम तो कम से कम आप मुझे ये बताइए कि ये अगर प्रोजेक्ट आपकी नजरों के सामने, अल्लाह आपको जिंदगी दे, कम 3 साल 2.5 साल का अर्सा गुजारेगा ये? और जी अब तक तो ये मुकम्मल होने वाला होना चाहिए था, ये तो नहीं हो रहा ना, ऐसे ही होगा, जैसे जितने पैसे मिलेंगे ठेकेदार को वैसे काम करेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोटर बाइक पे जाते हो? जी। मोटर बाइक पे और खुद की क्या हालत होती है इस जगह से गुजरते हुए? रोड तो ऐसे बने हुए, हालत तो ऐसी हो जाती है फिर। अच्छा मैं तुमसे ये कहूँगी कि बात करते करते कि पीछे ना चले जाना, खुदा ना खास्ता फिर जो भी मैं लिंक दे रही थी कहीं ऐसा ना हो कि उसका डेमो आप देके दिखा दे। मुझे ये बताइएगा कि मोटर बाइक पे अगर मैं आपसे पूछूँ क्या ये रास्ता आपके लिए अकेले जाने में भी आसान रह गया है या नहीं, और जबकि ये अभी मुकम्मल होने का इसका कोई चांस लग नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं लगी बाइक पे अकेले आने का। जब ये नहीं बन रहा था कैसे जाते थे? आराम से तो बेहतर था, आराम से जाते थे, फिर भी गड्ढे थे, ऐसी बात नहीं है, पूरे मलीर में गड्ढे हैं अभी भी। वैसे यहाँ पे कभी तुमने किसी को गिरते हुए देखा है? बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन, रोड देखे हालत देखे आप। अब पता है आपने कभी आपने देखा है कि ग्रीन बेल्ट होती है, हम कराची वालों का मिजाज बन गया ना ऐसा, ग्रीन बेल्ट होती है या जहाँ से आपकी मोटरसाइकिल निकलने के लिए जगह नहीं भी होती तो बहालत मजबूरी हम वहाँ से अपनी मोटरसाइकिलें निकालने के आदि अब हो चुके हैं। इस जगह से अगर मोटरसाइकिल आती है, ये हालांकि जगह नहीं है लेकिन अब अगर कोई आ रहा है शॉर्टकट लेकर तो उसकी मोटरसाइकिल अगर यहाँ पर जाती है तो यकीन मानिए कि वो जानता है और अल्लाह जानता है कि उसको किन किन किस किस तरीके से जो है ना उसको जो है कितने दिन के लिए उसको एक तकलीफ खास तरीके से बर्दाश्त करनी पड़ती होगी। मुझे ये बताइएगा कि आपने इतने सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखे, आपने तो देखे
वही आपको लग रहा है कि आप लोगों की इन एक्सीडेंट्स का, इन तकलीफ़ों का कोई ऊपर किसी को पता है, कोई अंदाज़ा है, कोई एहसास है? एहसास कहाँ होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उन लोगों लगी जिसके उसको पता चलेगा, उनके घर वालों को पता चलेगा, तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा। मैं आपकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, काश के ये हाथ में मेरे कुछ होता ऐसा, तो मैं तो जो कर सकती हूँ वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर वही बात कहूँगी, आप बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता गिर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और मैं भी ज़रा ध्यान रखूँ इससे पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को रोकते रोकते खुद मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। ये देखिए, ये मोटर, ये जो हमारे घर में मोटर्स होती हैं, पानी की मोटरें, ये जो है ना, ये वो जगह है जहाँ पर आपको सैनिटरी की पाइप्स, पानी की जो पाइप्स होती हैं, आप जो सिवरेज के या फिर आपको दूसरे जो पाइप्स होते हैं वो आपको दस्तियाब होते हैं, मोटरें खास तौर पे मोटर्स जो होती हैं पानी की, वो आपको लेने के लिए यहाँ पे आनी पड़ती है। ये ना एक एक बड़ी भारी भारी किस्म की मोटर होती है, अगर कोई गलती से यहाँ पर आ भी जा रहा है तो मुझे ये बताएं कि कौन ऐसा होगा कि जो इतनी भारी मोटर जो है वो इस पुलर सराब जैसी एक जगह से निकलता जो है वो इतना बड़ा रिस्क ले लेगा और इतनी मुश्किल से वो यहाँ से निकल जाएगा इतनी भारी मोटर के साथ। यहाँ पे बंदा चल रहा है तो उसको पता नहीं है कि कब उसका पाँव स्लिप हो और वो नीचे चला जाए। मैं उल्टी चल रही हूँ, अल्लाह खैर करे, कहीं मुझे तो आज अपने ही कुछ मामला बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अल्लाह बस खैर करे। ये देखिए, अब आप मुझे ये बताएं कि ये लोगों का दुख है या नहीं है कि इनके कारोबार वाकई ज़ीरो, अगर कह रहे हैं ना कि हमारे आ गए हैं 100 से 10% पर, गलत नहीं कह रहे, मैं खुद इस बात की अब गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप नज़र नहीं आ रहा कि आप लोगों का ये जो प्रोजेक्ट है ये कब तक आपको मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा, तो अब क्या उस पर हम लोग उनको तसल्ली दें या क्या इनको ये कहें कि भाई आप देखिएगा अभी जब बन जाएगा ना तब आपकी तमाम तकलीफ़ें रफा हो जाएंगी। हमें खुद ये नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या दूसरों को तसल्ली दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, ये बताइएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को, ये जो बड़ी आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि फलाह का कोई दूर दूर तक आवाम की फलाह आपको नजर आ रही है? जितनी भी तकलीफें इतने अरसे से आप बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई फलाह नजर आ रही है आपको? 3 साल हो गए इसको खुदे हुए और अभी तक काम बहुत स्लो हो रहा है, काम बनवा नहीं रहे ये लोग, रोड का काम हो नहीं रहा, आधा यहाँ कर रहे हैं आधा वहाँ कर रहे हैं, काम को मतलब बहुत लेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे ही फर्क पड़ा हुआ है, कारोबार पे फर्क पड़ा हुआ है, बस अब क्या करें इनके। सर देखें, अगर कोई कारोबार पे किसी चीज़ का या कोई वैसी तकलीफ हो रही है आपको किसी वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से, तो होता क्या है कि आपको कोई उम्मीद नज़र आती है ना कि हाँ ये अब बस आजकल की बात है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और, तो आपको तसल्ली रहती है कि चलो फिर उसके बाद फिर तकलीफ़ नहीं होगी। अभी आपको जो है ना ये बीच में बिल्कुल हवा में मौलिक हो गया, ये ऐसे में कितनी मायूसी, कितनी परेशानी और कितना अपने कारोबार की टेंशन है? आप कारोबार की भी टेंशन है, प्लस फिर ये जो ट्रैफिक का मसला है, ये एक रोड पर 2 गाड़ी चल रही हैं रोज, आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और रोड जाम होता है, आधे एक घंटे रोड जाम होता है, इसकी वजह सब परेशान है, पूरा मलीर ही परेशान है और पूरे मलीर को उन्होंने खोद के रखा हुआ है, कहीं का एक का भी काम ये लोग कम्प्लीट नहीं कर रहे, जिन्हें उसको इलाका में गिर सब खुदा हुआ है, काला बोर्ड से लेकर ये खुदा हुआ है, बिजनेस पर भी फर्क पड़ रहा है, माड़ा कुरानी हमारा पूरा खुदा पड़ा हुआ है और ये लोग काम करने का नाम नहीं ले रहा, कोई कह रहा वर्ल्ड बैंक बना रहा है, कोई कह रहा कौन बना रहा है, लेकिन ये काम का भी पता नहीं क्या हो रहा है, हमें भी नहीं पता चल रहा कि वर्ल्ड बैंक का तो खैर हमें पता है, लेकिन कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है ये नहीं पता चल रहा, हमने किसको जाके जगाना है ये नहीं पता चल रहा, हमने किसको झंझोड़ना है हमें ये नहीं पता चल रहा। मज़े की बात बताएं आपको, आप अपनी बात तो छोड़ें, हमें नहीं पता चल रहा, मतलब ये तो एक नफसा नफसी का कराची के अंदर आलम बन गया है। भाई ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, बड़ी मेहरबानी होगी इसे कम्प्लीट कर लें, लोगों के कारोबार ठंडे, रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट, वो जो ट्रैफिक जैम रोज़ाना का मामूल बन के यहाँ पे कुछ तो खून हो रहा होता है, दस्तों गिरेबा लोग हो रहे होते हैं, वो लोग जो वाइट कॉलर होते हैं वो एक दूसरे से इतने गुस्से में आ गए हैं कि वो एक दूसरे, उनके मिजाज ख़राब हो गए, मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। कोई प्रोजेक्ट अल्लाह का वास्ता है जब शुरू किया करें, उसे पाया तकमील तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुँचाया करें, इफ एंड बट्स के बगैर, और अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने में आपको इतना सा भी अगर इभाम है कि ये मुकम्मल पत्नी होता है या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, अल्लाह का वास्ता ये हाथ जुड़े आपके आगे, खुदा के लिए प्रोजेक्ट शुरू ना किया करें, आप वैसी प्रोजेक्ट शुरू ना करवाएं, लोग तिल तिल मर के जी लेंगे, लेकिन वो जो रोज़ाना की अपने रिस्क की और अपनी जो हर तरीके से तकलीफ ये बर्दाश्त कर रही है, फिजिकली मेंटली टाइम का ज़्यादा हो रहा है, टेंशन हो रही हैं इसकी वजह से, और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक लामतना ही सिलसिला आपकी प्रॉब्लम्स का, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम की इब्तदाई इंट्रो में आपको मैंने बताया था, तो उसकी वजह से अगर इतने ज़्यादा झमेले हैं तो रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है कि आप तिल तिल जो है ना वो अपने आप को तैयार हो जाए, नहीं शुरू करें प्रोजेक्ट। एयरपोर्ट से जो बात का इलाका ना, ये लोग उसको डिग्रेड करते हैं, समझते नहीं, एयरपोर्ट से पहले जो भी इलाका कोई भी काम होता है वो मिनटों में हो जाता है,
पहले रोड टूटा हुआ, कोई भी काम हो फटाफट होता है, लेकिन एयरपोर्ट पार करने के बाद जब आप मलिर की तरफ आए तो उसके कोई वैल्यू ही नहीं है, डिग्रेड करते हैं मलिर लांडी कुरंगी चारपतल को। यहाँ मतलब कोई परेशानी हाल नहीं है, बस होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस ये अल्लाह के ऊपर है। बस मैं 100% आपकी बात से इसलिए दफा करूंगी कि सर मैं एयरपोर्ट पे आके रही हुई हूँ 9 महीने में, मॉडल कॉलोनी के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से में जहाँ एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, मैं वहाँ पर आके रही हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पर वाकई में ये दो दो निज़ाम चलते हैं। यहाँ पर वहाँ पर आपका काम अगर कोई होता है तो वो फौरन फटाफट आपका काम हो जाता है, भाई वो मामला ज़रा और है, वो ज़रा थोड़ा सा अलग इलाका है। यहाँ का अगर कोई काम शुरू हुआ तो बस उसको अल्लाह ही ख़त्म करे तो करे, बंदा है बशर में तो ये तकरीबन यहाँ पे किसी में कराची में हिम्मत नहीं है कि वो उसको ख़त्म कर सके। अब मुझे ये बताइए, ये जो खंडर बना के रखा हुआ है इसका ये नज़ारा कब तक देखना पड़ेगा, ये ठंडा कारोबार कब तक आप देखेंगे, लोगों की पसलियाँ कब तक हम चटकती हुई देखेंगे, लोगों की तकलीफ आपको पता है कि हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं ना, आपको अंदाज़ा नहीं है जो रोज़ाना इन रास्तों से गुजर रहा है उसकी फिजिकली कंडीशन कितनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, ये आप जरा मालूम कीजिए उनके, उनसे जब रात को दो दो गोलियां खा के उनको सोना पड़ता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हो रहे हैं, थोड़ी छोटी मोटी उनकी सैलरी निकालनी पड़ती है, रोज़ के उनके तनख्वाहें होती हैं वो सब हमें निकालना होता है। आजकल आपको पता है महंगाई इतनी, किसी की 500, किसी की 800, किसी के 1000 रुपये एक दिन के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये था हमारा चीख उठा कराची। आज तो हमारी भी चीख निकल गई क्योंकि हम जब आए हैं इन रास्तों से तो यकीन करें कि हमें 5 मिनट तो हमें ना वापस अपने औसान बहाल होने का इंतज़ार करना पड़ा। तो जो रोज़ाना यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं सऊदाबाद के, कारा बोर्ड के और ये जो मलिर के अंदरूनी इलाकों के अंदर जा रहे हैं, इनकी क्या रोज़ाना की बुनियाद पर हालत होती होगी ये हम अंदाज़ा लगा चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से लगा चुके हैं। अल्लाह करे इस बात का अंदाज़ा, इस तकलीफ़ का अंदाज़ा उन लोगों को भी हो जो ये प्रोजेक्ट शुरू करवा के बैठे हुए हैं और उनको पता नहीं है कि लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही हुई। वही वाला प्रोजेक्ट इस वक्त नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, हम पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं टैक्स के नाम के ऊपर, मिल रहा क्या है हमें, ये खाक फांकने को मिल रही है सिर्फ, ये है हमारे कराची की। इसीलिए हम कहते हैं कि चीख उठा कराची में आप लोगों की, वो हम कराची की चीख आपको सुनाएंगे जो अब तक अनसुनी थी लेकिन अब अनसुनी नहीं रहेगी। बहरहाल आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अलाने के बाद।